नमस्कार साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो ये अपने सूरतगढ़ के नज़दीक किशनपुरा आबादी में अपने किसान भाई, अपना शुभ नाम जी पप्पू खान जी है जी, इन्होंने कद्दू की बेलें लगा रखी है, जिसका आपको बताऊंगा। अगर कद्दू के लिए किसी भाई को अगर व्यापार करता है, जिनको डेली कद्दू की ज़्यादा आवश्यकता रहती है अपने ग्राहकों को बेचने के लिए, तो वो पप्पू खान जी से संपर्क कर सकते हैं। अभी तो जैसे आप देख पा रहे हो बेल छोटी है, फ्लावरिंग भी नहीं स्टार्ट हुई है, लेकिन कुछ समय बाद में इनके फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप यहाँ से संपर्क कर सकते हो। तो मैंने इनसे जाना कि प्रति बीघा अगर कोई किसान लगाना चाहे तो प्रति बीघा खर्चा कितना आता है, उत्पादन कितना आता है। तो साथियों, प्रति बीघा इसका खर्चा 70,000 रुपये प्रति बीघा के अनुसार इसका खर्चा लमसम माना गया है कि 70,000 रुपये प्रति बीघा खर्चा आता है, जिसमें ड्रिप है, ज़मीन का रेंट यानी ठेके पे ली हुई है ज़मीन उसका रेंट है, पानी है, स्प्रे है, खाद है, और उसमें लेबर है, ये पेपर है, और जैसे ये सरकंडे लगाए हुए हैं, तो इनका लमसम सत्तर हज़ार खर्चा आता है। और उसके बाद में जैसे फ्लावरिंग लगने या फल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद की लेबर अलग है। बहुत ही अच्छी तकनीक से लगाया हुआ है, और ये शायद इनसे पूछना चाहता हूँ, ये शायद सर्दी के लिए पाला बेलों के नैन लगे, इसलिए साइड में सरकंडे लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छी सिचुएशन में बेलें लगी हुई हैं इनमें। भाई साहब, आप खाद खुद कितनी देते हो? नॉर्मल खाद है अपने एक पौंडे पर, मतलब 5 फुट पर 250 ग्राम। 5 पावड़े पे साथियों, यानी लगभग 5 फीट पे, सॉरी 5 पावड़ा नहीं, 5 फीट पे 250 ग्राम खाद दी जाती है, जो नाम मात्र की है। अगर कहें तो ऑर्गेनिक भी नहीं, लेकिन खाद भी ज़्यादा नहीं है। और जिस सब्ज़ी में खाद ज़्यादा नहीं होती है उसका टेस्ट अलग ही रहता है। बिल्कुल, अपने घरों में सब्ज़ी लगाई होती है उसका टेस्ट, और मार्केट से जो सब्ज़ी लेते हैं उसका टेस्ट एक अलग रहता है। वो इसी कारण रहता है कि घरों में अपने खाद कम देते हैं, गोबर वाली खाद यूज करते हैं, और जो मार्केट से लाते हैं उनमें क्या है, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जिसमें यूरिया DAP अत्यधिक दी जाती है, उस कारण वो सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं रहता है। तो भाई साहब से मैंने जाना कि खाद की मात्रा कितनी है, तो इन्होंने ना मात्र की खाद 250 ग्राम 5 फीट में कोई ज़्यादा नहीं है। इतनी खाद तो अपने जैसे अलग कोई क्रॉप होती है, सरसों, कणक, नरमा, उसमें इससे ज़्यादा दी जाती है। तो ये प्रति बीघा भाई साहब आपने ज़मीन कितने में ली है? ज़मीन के लिए 18,000 रुपये 18,000 रुपये प्रति बीघा। मोटर लगी हुई होगी? हाँ जी, चलता कुआं देंगे, चलता। अच्छा। तो साथियों, जैसे आप देख पा रहे हो, अगर कहीं आना हो तो आप यहाँ देख सकते हो, ये पप्पू खान जी है, किशनपुरा जो भोजेवाला रोड जाता है सूरतगढ़ से, उस रोड के ऊपर ही इनका ये फार्म लगा हुआ है, और यहाँ पे कद्दू की मोस्टली ज़्यादा बिजाई की गई है। अच्छा, कद्दू, करेला, खीरा, तर, खरबूजा, तरबूज, सेंचुरी, लगभग जुगनी पेठा लगभग यहाँ पे सब्जियाँ लगाई हुई है। और ये सब्जी भाई साहब 1 महीने बाद में स्टार्ट हो जाएगी लगनी? अभी नहीं। हाँ, ये फरवरी में आएगी। अच्छा, फरवरी में लगभग सब्जियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। कितनी अच्छी तरह से लगाया हुआ है, काफ़ी मेहनत तो है लेकिन पैसे वाली चीज़ लगा रखी है। आमदनी मेहनत के अनुसार ही होती है, अपने जितनी मेहनत करेंगे उतनी आमदन ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों।